going to understand about bills receivable book, bills payable book, cash book and journal proper. ये सारे के अलग अलग से चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग वो दी गई हुई है. लास्ट हमने सॉल्व किया था इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि था कॉलमनर बुक्स फी विथ गुड्स एंड एक्सपेंसेस, राइट. नाउ बिल्स रिसीवेबल बुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, लेट्स अंडरस्टैंड. व्हेन अ सेलर हैज टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम सम कस्टमर एट टाइम्स, जनरली द सेलर ड्रॉज नेसेसरी बिल ऑन द कस्टमर फॉर द सम ड्यू. द कस्टमर एक्सेप्ट एंड रिकॉर्ड सच बिल एंड रिटर्न टू द सेलर. Such bill is known as bills receivable for the person who draws it, and it is known as bills payable for the person who accepts the same. For the holder of such bill is also bills receivable. Detailed record of such bills received from various customer is kept in bills receivable book. जब भी सेल होता है on credit, right? क्रेडिट पे अगर किसी को सेल किया तो सामने वाला बिजनेस के लिए हो जाएगा डेटर, यानी कि डेटर को बिजनेस को कोई भी डिसाइडेड टाइम पीरियड में उसको पेमेंट करना पड़ेगा. तो उसके लिए रिटर्न प्रूफ यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट जो बिजनेसमैन है वो लिख के देगा, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आफ्टर 1 मंथ आई विल पे ऑल द अमाउंट, राइट. वो साइन करके वो वापस किसको देगा, बिजनेसमैन को. तो बिजनेसमैन के लिए वो बिल हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, यानी कि सामने वाला कस्टमर जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं जो डिसाइडेड टाइम है उसके बाद ये अमाउंट आपको पे कर दूंगा, आई एश्योर यू, राइट. सो सामने वाले कस्टमर के लिए वो बिल होता है बिल्स पेबल, और बिजनेसमैन के लिए वो बिल होगा बिल्स रिसीवेबल. जिसके पास बिल है यानी कि द होल्डर ऑफ बिल इज ऑल्सो नोन एज बिल्स रिसीवेबल, यानी कि बिजनेसमैन के पास वो बिल है तो वो बिल हो जाएगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल. जनरली बिजनेस में ऐसे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक में. उसका स्पेसिमेन इस तरह से है, फर्स्ट कॉलम इज फॉर बिल नंबर, सेकेंड कॉलम इज फॉर डेट ऑफ बिल एंड इट्स रिसिप्ट, कब बिल लिखा गया है और उसकी रिसिप्ट. उसके बाद आता है नेम ऑफ एक्सेप्टर, यानी कि किसने एक्सेप्ट किया, तो नेम ऑफ कस्टमर और एक्सेप्टर यहाँ पे थे. उसके बाद आता है पीरियड ऑफ बिल, कितने पीरियड के लिए जो है बिल लिखा गया है, 1 मंथ, 2 मंथ, 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज एक्सेट्रा, जो भी डिसाइडेड हुआ हो वो. उसके बाद है कंडीशन, कंडीशन क्या डिसाइड की है, अगर सामने वाला बिल पे नहीं कर पाया तो क्या करना है, इस तरह की कोई कंडीशन अगर डिसाइडेड हो तो वो लिखी जाती है. उसके बाद है डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि सपोज कि फर्स्ट डेट को बिल ड्रॉ किया और उसने बोला है कि आपको 15 डेज में पे कर दूंगा, तो 15 डेज हो जाएगी मैच्योरिटी डेट. उसके बाद एलर्ट नंबर, फिर प्लेस ऑफ पेमेंट, कहाँ पे पेमेंट होगा प्लेस, वो भी दोनों डिसाइड कर लेते हैं. लास्ट कॉलम एंड अनदर कॉलम इज फॉर अमाउंट एंड रिमार्क्स, इफ एनी रिमार्क्स, कोई भी अगर जरूरी इंफॉर्मेशन लिखनी हो तो. इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबोव स्पेसिमेन दैट द लास्ट कॉलम ऑफ बिल रिसीवेबल बुक इज फॉर रिमार्क्स, इन दिस कॉलम डिटेल ऑफ यूज ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच बिल इज शोन. अब उसका डिस्पोजल किस तरह से होगा, डिस्पोजल यानी कि वो बिल जब पे हो जाएगा तो उसको किस तरह से क्लोज करना है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो लास्ट वाले रिमार्क्स वाले कॉलम में लिखी जाती है. For example, bills discounted in bank, annuals in favor of creditor, etc. अगर time पे वो payment नहीं कर पाया तो उसको bank से annuals करवाना है या तो third person को annuals करना है, ऐसे कोई भी अगर situation disposal की decided हो तो वो remarks के column में लिखी जाती है. Now next is for bills payable book. We have seen that when a bill drawn by other party is accepted, it becomes bills payable for the person who accepts the same. पहले ही मैंने बोला कि जो accept करता है वो bills payable और जो लिखता है वो bills receivable. Detail of bills drawn by trader and accepted and payable are recorded in bills payable book. Specimen है, first column is for bill number, second column is for date of acceptance,
थर्ड नंबर इसको नेम ऑफ ड्रोअर, ड्रोअर यानी कि किसने लिखा है हमने, यानी कि बिल्स पेबल जिसकी है उसने एक्सेप्ट किया है और सामने वाले को देनी है पेमेंट। सो नेम ऑफ द ड्रोअर कि किसको रुपए देने हैं उसका नाम, फिर डेट ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल, कंडीशन, डेट ऑफ मैच्योरिटी, एलएन नंबर, अमाउंट एंड रिमार्क्स एज सेम एज इन बिल्स रिसीवेबल बुक। नेक्स्ट इज कैश बुक। वी हैव सीन दैट इन सब्सिडरी बुक डिस्कस्ड अबव कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, एवरी एंटरप्राइज और यूनिट प्रिपेयर्स कैश बुक टू रिकॉर्ड सच कैश ट्रांजैक्शन। हमने अभी तक जितनी भी सब्सिडरी बुक्स की, सब्सिडरी बुक्स ऑफ गुड्स लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, सारे बुक्स में हम ओनली किस तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, वी रिकॉर्डेड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन बिजनेसमैन प्रिपेयर कैश बुक, राइट। जनरली कैश बुक इज प्रिपेयर इन थ्री वे, जैसा कि वेरी फर्स्ट वीडियो दिस चैप्टर का हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सी कैश बुक होती है। फर्स्ट सिंपल कैश बुक, टू कॉलमनर कैश बुक एंड थ्री कॉलमनर कैश बुक। करंटली थ्री कॉलमनर कैश बुक इज मोर पॉपुलर, कैश डिस्काउंट एंड बैंक ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड इन कैश बुक इज मोर पॉपुलर विच वी शैल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। इसका नेक्स्ट चैप्टर वही है कैश बुक, उसमें हम डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे। पेटी कैश बुक इज ओनली पार्ट ऑफ कैश बुक, पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड डे टू डे पेटी बिजनेस एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी एक्सपेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ चार्जेस एक्सेट्रा। डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस विल बी मेड इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। नेक्स्ट इज जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द सेवन सब्सिडरी बुक्स डिस्कस्ड अबाउट। अबाउट जितने भी हमने सब्सिडरी बुक्स डिस्कस की है वो सारे सब्सिडरी बुक्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते वो सारे किसमें रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल प्रॉपर में। जनरली ऑल एडजस्टमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज एंड ट्रांसफर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। दिस इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर आफ्टर द चैप्टर ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बाद वही चैप्टर है किसका, जर्नल प्रॉपर का, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये फिफ्थ चैप्टर होता है कम्प्लीट। अब आपका होमवर्क एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, 2 वन मार्क्स, 4 5 6 7 10 12 13 14 ये सारे क्वेश्चंस आंसर आपको अपने फेयर बुक में लिखने हैं। यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कैश बुक वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए और अपनी फेयर बुक में ये जो सम्स है वो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।